दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नींद ना आने के बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में। यदि हम उस कारण को जान लेते हैं और उसी को सुधार लेते हैं तो वही उसका इलाज है, और दवाइयों का सेवन करने से आपको उसकी लत लग सकती है। इसलिए दोस्तों चलिए हम समय ना गंवाते हुए कारणों को और उसके इलाज को जान लें। दोस्तों नींद ना आने का प्रमुख कारण है तनाव और चिंता। दोस्तों यदि आप किसी विषय को लेकर चिंतित हैं या परिवार की बात लेकर या किसी को लेन देन के संबंध में, तब दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में नींद नहीं आएगी। इस कारण को, इस चिंता को ही दूर कर लें, आपको नींद आ जाएगी। दूसरी वजह दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि सही समय पर ना सोना। दोस्तों जब भी हमें नींद आती है, हमारे पास कोई कार्य होता है या हम टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं और उस टाइम पर हम नहीं सोते, दोस्तों जब आप समय पर नहीं सोएंगे तो इसके बाद आपको नींद भी नहीं लगेगी। दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है आलस और कुछ काम न करना, मेहनत का कोई भी कार्य न करना। दोस्तों यदि आप मेहनत के कोई भी कार्य को नहीं करेंगे तो आपके शरीर में थकान नहीं उत्पन्न होगी और नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों और एक प्रमुख कारण है जैसे आपका जगह बदल जाता है, किसी अन्य जगह पर आप गए हैं तो भी आपको नींद नहीं आएगी। कई बार बिस्तर आपका गंदा हो या खटमल हो या किसी वातावरण की वजह से मच्छर हो, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। यदि आप सोएंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के ना होने के बावजूद यदि यह सब चीज़ें सही हैं फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए दोस्तों मेरी एडवाइस आपको है, जो मेरे साथ अक्सर होता है और मैं अपने साथ भी अनुभव किया हूँ। दोस्तों ऐसे समय पर आपको किताबें पढ़नी चाहिए। यदि आप किताबें पढ़ेंगे थोड़े समय बाद आपकी आंखें और मस्तिष्क थक जाएंगी और आपको नींद अपने आप आ जाएगी। याद रहे दोस्तों, नींद लाने के लिए किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन ना करें, नहीं तो उससे आपको लत लग सकती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर कोई भी प्रकार का सवाल आपको पूछना है तो उसको कमेंट करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ।